हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पिछले वीडियो में दिखाया था, हमारे मामा जी आए हैं और इंडिया से, और वो लेकर के आए हैं फ्रेंड्स सरसों वाला मसाला। और सरसों वाला मसाला खाए बहुत दिन हो गया हमको, तो आज बनाऊंगा सरसों वाला मसाला से खाना। और फ्रेंड्स, मुझे सरसों का मसाला बहुत मज़ा आता है खाने में। तो आ गया हूँ रूम पे फ्रेंड्स, अभी चल रहा हूँ बनाने। और अभी तक मैं काम किया, 8:30 हो रहा है, 8:30 बजे तक मैं काम किया, दो बार बरसिन काट के दे दिया बच्चों को, बकरियों को खोला हूँ, मतलब कि अपना टोटल जो काम होता है ख़त्म कर लिया हूँ फ्रेंड्स। और आ गया हूँ रूम पे, अभी बनाऊंगा खाना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं चावल रख लेता हूँ, और मुझे फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे, 9 बजे 8 बजे या 7:30 बजे जब भी मैं आऊँ, आधा घंटा मुझे टाइम मिलता है। मैं आज जल्दी जल्दी खाना वाना बना के निकलूंगा यहाँ से, और आपको भी दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो आपको पहले दिखा दूँ ये जो मसाला है, यहाँ देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, आज इसी को बनाऊंगा आलू और सहजन की सब्जी। और ये सरसों का जो हमारे मामा जी लेकर आए हैं मसाला फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मशीन से पिसवा करके लाए हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए। इसको अभी फ्रेंड्स कभी बनाया नहीं हूँ, देखिए कैसा होता है, लेकिन इतना मालूम है अगर भूजूंगा नहीं मसाले को तो तीखा हो जाएगा सब्जी। तो भूजूंगा, पहले रख लेता हूँ चावल फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, इसमें मैं चावल बनाता हूँ। और ये है हमारा चावल फ्रेंड्स। मैं अपने इस मुट्ठी से 8 मुट्ठी, अगर जैसे मीट अगर बनाता हूँ तो इस मुट्ठी से 8 मुट्ठी चावल डालता हूँ, अगर सब्जी बनाता हूँ तो इस मुट्ठी से 10 मुट्ठी चावल डालता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, ये हमारा 1 मुट्ठी हो गया, और इसमें डाल लिया, और ये हो गया हमारा आज 10 मुट्ठी। मैं 10 मुट्ठी इसलिए डाला हूँ फ्रेंड्स, प्याज बनाऊंगा सब्जी बनाता हूँ तो मैं खाना ज्यादा खा लेता हूँ, और मीट उट बनाता हूँ तो मैं खाना नहीं ज्यादा खा पाता हूँ, कभी 8 बनाता हूँ ना वो भी हमारा बाकी रह जाता है। तो फ्रेंड्स अभी काट लूँ प्याज, ये देखिए प्याज है सारा, और निकाल लूँ मिर्च, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा एकदम बर्फ जमा रहता है, ये देखिए पूरा बर्फ जमा हुआ है, अगर ऐसे ऊपर से गिरेगा ना, ये देखिए फूटा नहीं, लेकिन ऐसे गिरता है तो 3-3, 4-4 टुकड़ा हो जाता है नीचे, ऐसा बर्फ जमा हुआ। लहसुन ले लू, फ्रेंड्स लहसुन मर्चा इसमें मैं कूट लेता हूँ, देखिए लहसुन मर्चा इसमें कूट लूंगा, उसके बाद प्याज काट के प्याज भूजूंगा, प्याज गल जाने के बाद लहसुन मर्चा उसमें डाल दूंगा। और अपने दिमाग से सोच रहा हूँ, ये जो सरसों वाला मसाला है फ्रेंड्स, तो इसके लिए भी तो थोड़ा मान लीजिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये तीखा हो जाएगा सब्जी, इसीलिए सोचा हूँ कि थोड़ा पानी में घोर लूंगा, उसके बाद डालूंगा इसमें, देखते हैं कैसा होता है। अगर आप लोगों को इससे बढ़िया तरीका पता होगा फ्रेंड्स तो जरूर हमको बताइएगा। मैं डेली ऐसे करता हूँ, आता हूँ ना, क्योंकि मुझे टाइम नहीं जाता तो जल्दी जल्दी जब आता हूँ तो पहले चावल रख लेता हूँ, देखिए चावल रख दिया हूँ, उसके बाद गिर जाता हूँ सब्जी में, जल्दी जल्दी सब्जी बनाता हूँ। सब्जी बनाने से पहले फ्रेंड्स हमारा चावल हो जाता है, 2 प्याज डाल लूंगा, काफी है। ये प्याज है फ्रेंड्स, धो के लाओ, मेरा डेली का यही काम है, जब भी मैं आता हूँ ना खाना खाने के लिए, जैसे लगता है शरीर में एकदम पेट्रोल लग गया, इतना जल्दी जल्दी खाना बना के चला जाता हूँ, नहीं जाऊंगा तो फिर गिर गिर स्टार्ट हो जाएगा हमारे कपिल का। इसमें तेल नहीं था फ्रेंड्स ज्यादा, तो आज पूरा खत्म हो गया। और ये देखिए इसमें तेल पूरा भरा हुआ है, हमारे जो कपिल का लड़का है, एक ही बार मैं ज्यादा दे दिया था, फिर बाद में इसमें से निकाल लूंगा मैं। फ्रेंड्स अभी दिखा दो, इतना काम कर दिया हूँ, ये देखिए चावल अभी हमारा आधा हो गया,
और ये प्याज है जो अभी बाकी है, थोड़ा गल जाएगा। उसके बाद ये देखिए मर्चा और लहसुन कूट के रख लिया हूँ। और फ्रेंड्स अभी काटूंगा ये सहजन। तो इतना ले लेता हूँ, चार काफी है। और ले लेता हूँ फ्रेंड्स आलू। अभी हमारा आलू पुराना हो गया है, देखिए थोड़ा जम गया है। ये देखिए इसको पहले खत्म करूंगा, उसके बाद इसको बाद में आलू काट लो फ्रेंड्स, पहले छील लो इसको। इसको धो के आ जाओ फ्रेंड्स। सब रेडी कर दिया फ्रेंड्स, आलू सहजन काट दिया हूँ। अभी इसमें वो जो सरसों का मसाला है थोड़ा इसमें डालूंगा, पानी डाल के डालूंगा इसमें फ्रेंड्स भूनने का मसाला। थोड़ा नजदीकी से आप लोगों को दिखाऊं फ्रेंड्स, तो ये देखिए अभी हमारा चावल बस बन गया है। और ये प्याज जो कि ये भी थोड़ा सा बाकी है, गली गया है। और ये देखिए जो मैं कूटा हूँ मर्चा और लहसुन। और फ्रेंड्स अभी ये डालूंगा जो कि सरसों पाउडर है। फर्स्ट टाइम इसको डाल रहा हूँ, देखता हूँ खाना हमारा कैसा होता है, अच्छा होता है कि नहीं फ्रेंड्स। और इतना डालूंगा ये देखिए, और इसको ऐसे पता नहीं ये कम है कि ज़्यादा है मालूम नहीं, एक बार ख़राब हो या अच्छा हो फ्रेंड्स सीख लूँगा। यहाँ कौन सिखाने वाला है, बनाना है बिगाड़ना है सीखना है। एक बार अच्छा हो जाता है फ्रेंड्स उसी तरह से हमेशा बनाता रहता हूँ अपना। तो अभी डाल दिया फ्रेंड्स, देखता हूँ आज कैसा होता है। अभी हल्दी नहीं डाला हूँ फ्रेंड्स, और ये वाला जो पैकेट का मसाला है यहाँ देख रहे होंगे ये भी अभी नहीं डाला हूँ। और पता नहीं अच्छा होगा कैसा, अगर अच्छा हो गया तो डेली बनाऊंगा फ्रेंड्स, अगर खराब हो गया तो आप लोग जरूर हमको तरीका बताना अगर आप लोगों को पता हो तो, अगली बार उसी तरह से बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी चल रहा हूँ ब्रश करने, उधर चावल हो गया हमारा, सब्जी बन रहा है, जब तक सब्जी मसाला पकेगा तब तक मैं ब्रश कर लूंगा। आप लोग कहेंगे ये काम उल्टा है, क्योंकि अगर मैं आ जाऊं पहले स्टार्टिंग में ब्रश करने लगूं तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगा, इसलिए फ्रेंड्स कुछ काम मैं पहले कर लेता हूं, उसके बाद सब्जी होता रहता है जाके जल्दी जल्दी ब्रश कर लेता हूं। फ्रेंड्स आज वीडियो बनाने के चक्कर में आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये इंडिया का तकरीबन 3000 के लपेटा में था ये एयरबड्स, जो कि मुझे बाइक लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं इसी से अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था, हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो जाता था इसी से। लेकिन आज मैं ध्यान नहीं दिया वीडियो के चक्कर में, और वीडियो बनाते समय ऐसे कान में था, ऐसे हाथ से लगा मुंह धोते समय, और ये गिर गया पानी में। पता नहीं फ्रेंड्स हमारा आवाज जा रहा है कि नहीं, क्योंकि एक लगाया हूँ, हो सकता है इससे आवाज जा रहा हो, और ये सही होगा कि नहीं कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, राइट तरफ का है। इसको धूप में रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाला मसाला भी डाल लिया हूँ अभी, और आपको दिखाता हूँ थोड़ा इसको मिक्स कर लूँ। फ्रेंड्स आज का काम थोड़ा उल्टा हो गया हमारा, देखते हैं सब्जी हमारा कैसा होता है, क्योंकि आज हमको डालना था सरसों, और सरसों डालने की वजह से फ्रेंड्स उसको भूनने की वजह से हमारा पूरा रूटीन उल्टा हो गया है। देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं। ये हल्दी डाल रहा हूँ अभी, अभी दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स। देखने में देखिए लगता है जैसे कितना ज्यादा मसाला ही हो गया, क्योंकि इसमें प्याज भी है। और अभी
समझ नहीं आ रहा कि इसे भूज दूं या थोड़ा और पानी डाल लेता हूं। आज सब्जी में लगेगा फ्रेंड्स टाइम हमको, क्योंकि पहले मसाला में ही पानी डाल दिया हूं, ये जलने लगेगा। ये देखिए अब ये बढ़िया से पक जाए उसके बाद ये डालूंगा, और आँच कम करके एकदम छोड़ दूंगा ज़्यादा कुछ टाइम तक। आज लेट होगा हमको लगता है। ये सब सरसों पकाने के चक्कर में, जो सरसों वाला मसाला था फ्रेंड्स, इसको पकाने के चक्कर में आज सब कुछ गलत कर लिया हूँ। देखता हूँ हमारा सब्जी कैसा होता है, नहीं होगा सही तो फिर अगली बार से दूसरे तरीके से बनाऊंगा, अगर सही हो जाएगा तो फिर इसी तरीके से बनाऊंगा। टाइम ज़्यादा लगता है तो हो सकता है कि मैं शाम को बनाऊंगा, सुकून से बनाऊंगा। एक घंटे दो घंटे सभी मसाला हमारा पक गया है, और देखिए ज़्यादा टाइम हो गया करीबन 10-15 मिनट। अभी डाल लेता हूँ और इसके बाद भी छोड़ूंगा करीबन 10-15 मिनट फिर आँच कम करके। और मुझे लगता है कि मैं सरसों जो होता है, सरसों का जो मसाला था पाउडर, ये लगता है फ्रेंड ज़्यादा डाल दिया हूँ। तो ये देखते हैं, ऐसे तो मैं चाहे जैसा भी हो फ्रेंड्स खा लूँगा, लेकिन हाँ अच्छा होता कि नहीं देखते हैं बाद में। अच्छा हो जाएगा तो हमेशा इसी तरह बनाऊँगा, नहीं होगा तो फिर तरीका दूसरा लगाऊंगा। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग भी जरूर बताना फ्रेंड्स। अभी थोड़ा टाइम इसको छोड़ूंगा 10-15 मिनट फिर, और उसके बाद पानी डालूंगा। पानी डालने के बाद फिर छोड़ूंगा 10-15 मिनट, उसके बाद निकालूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा और कैसा होता है खा के बताऊंगा। तो फ्रेंड्स बना लिया हूँ, अभी गैस बंद नहीं किया हूँ, अब बंद करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए तो फ्रेंड्स हमारा खाना बन चुका है, और आइए आप लोगों को दिखाते हैं और खा के भी बताऊंगा कि कितना बढ़िया बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला ही लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ ये देखने में लगता है पका नहीं होगा, लेकिन बहुत बढ़िया पकाया हूँ। अब खाने के बाद पता चलेगा फ्रेंड्स कितना अच्छा बना है कितना नहीं। और सुबह में फ्रेंड्स मैं थोड़ा ज़्यादा ही खाना निकालता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही खाता हूँ, काम करता हूँ दबा करके। अगर खाना अच्छा से नहीं खाऊंगा फ्रेंड्स फिर काम भी नहीं कर पाऊंगा। और दोपहर में भी खाना नहीं खाता हूँ मैं, एक ही टाइम ये सुबह में खा लेता हूँ, उसके बाद इकट्ठा खा लेता हूँ शाम को। तो फ्रेंड्स अब बैठ गया मैं खाने के लिए, और ये देखिए पानी भी रख लिया हूँ, क्योंकि मैं बिगर पानी का खाना नहीं खा पाता हूँ फ्रेंड्स। और मैं खा के देखता हूँ, अच्छा लग रहा है, एक बार और खा लूं। फ्रेंड्स खाना बहुत बढ़िया बना है, लेकिन ये जो मैं सरसों डाला हूं, ये सरसों जैसे पकाने में थोड़ा मोड़ा मुझे लगता है थोड़ा कमी रह गया है, हल्का फुल्का सरसों की तरह हल्का फुल्का तीखा लग रहा है, वरना बहुत शानदार बना है खाना। तो फ्रेंड्स यही हम लोग बाहर रहने वाले लोगों का ऐसे मतलब जीवन होता है, खाना अकेले बनाओ, काम करो, बर्तन धो, कपड़ा धो, सब कुछ करना पड़ता है। तो आज मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किया हूँ आप लोगों को। और फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं कोई वीडियो भी डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और आप इसी तरह से हमारा सपोर्ट कर सके। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Thank you.